वेलकम बैक क्लास। ये हमारे ट्रिगो के एसोसिएशन में सेकेंड लेक्चर है फॉर आर एंट्रेंस प्रिपरेशन। इस लेक्चर में हम ऐसे सम्स करने वाले विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, एट द सेम टाइम फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, जो भी ट्रिगो के बेसिक फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मिक्सड होकर हमें मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू बी रियली पिट पैट विद द फॉर्मूले क्लास, आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद सम ईजी क्वेश्चन और उसको धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल, हमें पता करना है इनमें से कौन सा रैशनल है। रैशनल का मतलब फाइनल वैल्यू में आपका रूट नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है साइन 15 डिग्री का, जिसे हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स में कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स भी स्टडी किए थे और उसमें 15 डिग्री इंक्लूडेड था। अगर आपको नहीं याद है क्लास, लेट्स से आपने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, आप कंपाउंड एंगल्स यूज़ करके साइन 15 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वुड बी 45 माइनस 30 एंड साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। दिस इज साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। मैंने चुपचाप ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया एंड मैंने उसका एसोसिएटेड वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो ये बन जाता है रूट 3 बाई 2 रूट 2 एंड दिस इज सपोज टू बिकम 1 बाई 2 और ये मिक्स होके बनेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। अगर आपको ये वैल्यू याद रहती तो आपको ये सब कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्लास टाइम बच जाता। अब जिस तरह मैंने साइन 15 डिग्री कैलकुलेट किया है, आप उसी तरह कॉस 15 भी कर सकते हैं। तो कॉस 15 का वैल्यू अगर आप रिकलेक्ट करें और सॉल्व करें तो आपको मिलने वाला है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। यू विल फाइंड टेबल में कुछ अलग वैल्यू है, वो एक्चुअल में से और घुमा फिरा के सिंप्लीफाई किया है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वैल्यू इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इसमें रूट इन्वॉल्व है क्लास, इसमें भी रूट इन्वॉल्व है, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। तो पहले दो ऑप्शन तो राइट नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं क्लास। मैं एक अलग वे यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ। साइन 15 इंटू कॉस 15 को मान लीजिए हमने इस तरह से लिखा 2 साइन 15 इंटू कॉस 15 और उसे 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बैलेंस्ड है। बट इससे कुछ बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली हुआ, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाता है जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो दिस इज सपोज टू बिकम साइन 30 अपॉन 2 और साइन 30 तो हाफ के बराबर है, हाफ अपॉन 2 अगर आप इसे सिम्प्लीफाई भी करेंगे तो 1/4 है, जो एक रैशनल नंबर है। अगर आपको ये स्टार्टिंग में ही स्ट्राइक हो जाता तो आपको इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्लास। दिस इज़ द राइट ऑप्शन, मैं उसे टिक कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछा है उन्होंने। ओके, एक सीरीज़ दी है उन्होंने, टैन 1 डिग्री से लेकर टैन 89 डिग्री तक का मल्टीप्लीकेशन है, हमें इसका वैल्यू पता करना है। सो क्लास बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल सा पेयर समझिए, मैं tan 1 और tan 89 के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। tan 89, tan 1 को एज इट इज़ रखता हूँ। डू यू अग्री tan 89 को हम cot 90 माइनस 1 करके लिख सकते हैं क्लास, 90 माइनस 89, आई एम सो सॉरी। अब ये करने के बाद दिस वुड बिकम cot 1 डिग्री एंड tan इंटू cot इज सपोज टू बी 1, अगर आप इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे ये पेयरिंग हमने यहाँ पे दिखाई है क्लास, ऐसे हर एक पर्टिकुलर एंगल का पेयरिंग होते जाएगा, हर एक एंगल का 189 के साथ होगा, 288 के साथ होगा, ऐसे हर एक एंगल हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर एंगल, दैट इज टैन 45। टैन 45 बच जाता है, तो ये पूरे सीक्वेंस में आप हर किसी का पेयरिंग फिट कर सकते हैं सिवाय टैन 45 का। बट टैन 45 तो खुद वन होता है ना क्लास, तो बेसिकली ये जो पूरा सीक्वेंस है दिस इज सपोज टू बी 1 मल्टीप्लाइड बाई टैन 45 डिग्री, विच इज़ अगेन 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन में 1 प्रेजेंट है, क्यों नहीं प्रेजेंट है तो टिक कर देते हैं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। इन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10, ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 90 तक जाना है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लॉजिक समझाया था, यहाँ पे भी देखिए क्लास, सपोज हम कंसिडर करते हैं साइन 15 एंड साइन 85, इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, नहीं साइन 5 होना चाहिए क्लास। तो साइन 5 एज इट इज़ रखता हूँ मैं और साइन 85 को मैं कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये बनेगा कॉस 90 माइनस 85 और टेक्निकली स्पीकिंग ये बन जाता है साइन 5 एंड कॉस 5। तो अब किसी ने अगर आपको पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर
85. तो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू कैन से दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 विच इज साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा विच इज इक्वल टू 1. अब जैसे यहाँ पे इन दोनों ने एक पैर फ्रेम किया है क्लास, वैसे बाकी एंगल्स भी फ्रेम करते जाएंगे. तो यहाँ पे फ्रेमिंग किसकी किसकी होने वाली है, 5 की 85 के साथ एक पैर बन गया आपका, 10 की 80 के साथ, 15 आपका 75 के साथ, 20 70 के साथ, 25 65, 30 60, 35 55, 40 50. अब एक बीच में 45 छूट गया है क्लास, उसे मैं नहीं बता सकता, उसका किसी के साथ भी पेयरिंग नहीं हुआ है. एट द सेम टाइम साइन स्क्वायर 90 भी छूट गया है. अब यहाँ पे कितने पेयर्स आपको काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. इन सबको ऐड करने पे आपको आंसर मिलने वाला है 8, बिकॉज हर पेयर का आंसर 1 है. तो 1 को अगर 8 बार ऐड कर देंगे तो आंसर है 1. सो द एंटायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 8 प्लस जो दो छूट गए, साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90. अब साइन 90 खुद 1 होता है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिलेगा. तो ये बन जाता है 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर क्लास, और ये 1 ऐड करने पे 9 प्लस हाफ, अगर डेसिमल में किया तो 9.5 हो जाता है. ऑप्शन में प्रेजेंट है, टिक भी कर दिया. आई होप आपको समझ में आ गया क्लास. आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. वाओ, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 18. तो कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा से लेके कॉस 18 अल्फा तक का एडिशन का आंसर क्या है वो पता करना. अब ये पता करना बहुत आसान है क्लास, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक जस्ट लाइक द प्रीवियस टू क्वेश्चंस. करना क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देख लीजिए कॉस अल्फा, जहाँ पे अल्फा का वैल्यू ऑब्वियसली पाई बाई 18 है. सो कॉस अल्फा इज सपोज टू बी पाई बाई 18, आप उसे भूल जाइए. कॉस 18 अल्फा से पहले आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा कॉस 17 अल्फा. अब मैं आपको कॉस 17 अल्फा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ क्लास. वी कैन राइट 17 अल्फा एज 18 अल्फा माइनस अल्फा, इस तरह से लिख सकते हैं. अब इस तरह से लिखने से एडवांटेज क्या होगा, मैं अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ. अल्फा वॉज पाई बाई 18, ये पाई बाई 18 ही रहेगा क्लास. अब यहाँ पे 18 18 का कैंसिलेशन होता है एंड यू गेट टू सी ये जो अपना एक्सप्रेशन है ये बन जाता है कॉस पाई माइनस समथिंग, एंड कॉस पाई माइनस समथिंग इज सपोज टू बी नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू. तो ये बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 18, और पाई बाई 18 तो अल्फा के बराबर था, मतलब ये माइनस कॉस अल्फा बन गया. तो अब अगर किसी ने मुझे पूछा कि कॉस अल्फा प्लस कॉस 17 अल्फा का आंसर क्या है, जहाँ पे अल्फा पाई बाई 18 के बराबर है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ इसका आंसर 0 है. क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव कॉस अल्फा है और ये बाद में नेगेटिव कॉस अल्फा बनेगा, दोनों दूसरे को कैंसिल करेंगे. अब जैसे इन दोनों का पेयरिंग हो रहा है वैसे हर एक टर्म्स का पेयरिंग होते जाएगा क्लास. सो इनफैक्ट ऑल द टर्म्स जो यहाँ पे बचते हैं वो पेयरिंग बनाते जाएंगे, जैसे कॉस अल्फा कॉस 17 अल्फा के साथ, कॉस 2 अल्फा कॉस 16 अल्फा के साथ, और इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू होते जाएगा. कॉस 18 अल्फा यहाँ पे सीक्वेंस में छूट गया है क्लास. एट द सेम टाइम अब कॉस 9 अल्फा को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो आप बोल सकते हैं जो फाइनल एक्सप्रेशन है दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0 प्लस कॉस 9 अल्फा प्लस कॉस 18 अल्फा, इसके बराबर होना चाहिए. तो दिस इज़ इक्वल टू कॉस 9 अल्फा. चलिए अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर भी. अब कैंसिलेशन देखते हैं. पहली बात तो ये 18 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 वन 9 टू जा, सो वी आर गेटिंग कॉस 90 विच इज सपोज टू बी 0 एंड दिस इज कॉस 5 विच इज माइनस 1. सो माय फाइनल वैल्यू इज माइनस 1. ऑप्शन में माइनस 1 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, दिस इज माय आंसर. आई होप क्लास आपको ये समझ में आया हमने ये किस तरह से सॉल्व किया. ऑलमोस्ट जो लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए उनका लॉजिक सेम है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूँ एंड इस पर फोकस करते हैं. द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14 से लेके साइन 13 पाई बाय 14 तक का आपको वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मैं क्वेश्चन में करेक्शन कर देता हूँ. ये 4 नहीं है, 14 है क्लास. सो यू कैन सी देर आर वेरियस एंगल्स बीन यूज. अब ये पाई बाय 14 आपके लिए एक स्टैंडर्ड या कन्वीनियंट एंगल नहीं है, तो ऐसे केस में यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट क्लास, आप यहाँ पे पेयरिंग फ्रेम कर सकते हैं. तो फिलहाल अगर आपको अज्यूम करना है, हम कंसिडर कर लेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए.
ये जो पाई बाय 14 है ना, ये हमारे लिए बन जाएगा एक्स। अच्छा, ये पाई बाय 14 को एक्स कंसिडर करके कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या आपको, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हम इस टर्म को नहीं टारगेट करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड एंगल। 7 और 14 कैंसिल होकर पाई बाय 2 बन जाता है साइन पाई बाय 2। तो साइन 7 पाई बाय 14 विच इज साइन पाई बाय 2 के इस तरफ तीन टर्म्स हैं और इस तरफ तीन टर्म्स हैं क्लास। आपको ये तीन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो सीखना है। तो एक छोटा सा आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। साइन 3π/14 कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस 3π/14। कर सकते हैं ना क्लास। अब ये बन जाता है कॉस, अगर मैं इनको बैलेंस करना चाहूँ तो ये 7π हो जाएगा। 7π - 3π इज सपोज टू बी 4π, 4π/14 है ना। उसी तरह अगर आप साइन 5π/14 को कन्वर्ट करने जाएंगे क्लास इनटू कॉस, विल बी गेटिंग कॉस 90 - 5π/14 एंड दिस वुड टर्न अप टू बी कॉस 2π/14। इस तरह हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन करके दिखाया है वो इस तरफ भी हो सकता है क्लास, बट इस तरफ करने से पहले आप एक छोटी सी स्ट्रैटेजी समझ जाइए। मैं साइन 13π/14 को एक्चुअल में साइन π/14 प्रूव कर सकता हूँ। ये आप भी ट्राई कर सकते हैं क्लास, खुद से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन आप एक तरफ कर रहे हैं ना, वो दूसरे साइड पे आपको सिर्फ रिपीट करना है, आपको वापस से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस वुड बिकम साइन π/14, दिस वुड बिकम साइन 3π/14 एंड दिस वुड बी साइन 5π/14। ये आपको खुद से वेरीफाई करना है, बहुत आसान है क्लास। आप एक बार ये कर लेंगे तो ये जो पैटर्न है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। दिस इज लाइक साइन एक्स, क्योंकि हमने π/14 को एक्स कंसिडर किया है। साइन 3π/14 वुड बिकम साइन कॉस 4π/14, मतलब कॉस 4x, और ये बन जाएगा कॉस 2x। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वो कन्वर्जन करके दिखाया है। ये तो साइन 90 बनने वाला है, साइन 90 खुद 1 होता है। उसी तरह इसी को भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन का हमें वैल्यूज़ मिल रहा है, मैं वो लिखता हूँ क्लास। कॉस 2x, कॉस 4x और ये साइन एक्स है। अब बेनिफिट क्या हो रहा है, हम सिर्फ ये एक्सप्रेशन का आंसर निकालते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन भी वही आंसर देगा। तो फिलहाल मेरे लिए एक सिंपल सा स्टेप है, मैं इस एक्सप्रेशन को 2cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे मिलता है 2sin x cos x इंटू ये जो बचे हुए दो टर्म्स हैं उनको वैसे ही लिखेंगे आप। सो क्लास, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये पार्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। मैं इसे 2cos x से डिवाइड कर देता हूँ। एडवांटेज क्या हो रहा है क्लास, यू कैन सी आपको 2sin थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया, विच इज sin 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में यू विल बी गेटिंग sin 2x, मैं कॉस 2x को अब आगे ड्रैग कर लेता हूँ, इंटू कॉस 4x अपॉन 2cos x। एडवांटेज, नेक्स्ट स्टेप आपको समझ में आ रहा है क्लास, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या होगा, ये बन जाता है 2sin 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x अपॉन 4cos x। अब ये जो है, ये तो कॉस साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा उसका डबल, मतलब ये बनने वाला है sin 4x। और आपको पता है कि आपको एक और बार वही स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फाइनली दिस वुड बी कन्वर्टेड इंटू sin 8x अपॉन 8 टाइम्स ऑफ cos x। अच्छा, एक बार ये स्टेप मिल गया है तो कैंसिलेशंस भी तो कुछ होना चाहिए ना क्लास। तो मैं कैंसिलेशंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास है sin 8x, 8x का मतलब 8π/14। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं इसे कॉस में कन्वर्ट करूँ तो इसका आंसर कितना होगा। तो कॉस में कन्वर्ट करने पे दिस शुड बिकम कॉस 90 - 8π/14। बैलेंस करने पे ये बनना चाहिए कॉस 7π - 8π, मतलब कॉस -π/14। और कॉस ऑफ माइनस थीटा कुछ कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस π/14। और π/14 मतलब क्लास कॉस एक्स ही हो गया ना, क्योंकि π/14 को तो एक्स कंसिडर किया था। मतलब sin 8x इज सपोज टू बी कॉस एक्स इन दिस एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन द वैल्यू जो हमने अज्यूम की है। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा दूँ तो ये बन जाता है
कॉस एक्स अपॉन 8 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, जहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपको 1/8 मिलता है। तो 1/8 सिर्फ इस पार्ट का आंसर है, 1/8। तो इस पार्ट का भी तो 1/8 आएगा ना क्लास, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 1/64 जो ऑप्शन में प्रेजेंट है, दिस इज ऑप्शन बी। तो आगे बढ़े, चलते आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लास जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन हम इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। मैं फर्स्ट पार्ट में 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ये तो बाकी टर्म्स अपने पास है ही। सो हिंट कैसे मिलता है क्लास, यू कैन सी जो एंगल्स है वो डबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो डबल हो रहे हैं तो साइन 2θ का फॉर्मूला हमेशा हेल्प करता है, प्रोवाइडेड बीच में मल्टीप्लीकेशन है और बीच में मल्टीप्लीकेशन ही प्रेजेंट है सब में। तो मैंने 2 sin 2π/15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। एडवांटेज यू कैन सी ये जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका 2 sin θ × cos θ विच इज सपोज टू बी sin 2θ, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा sin 4π/15। आपके पास cos 4π/15 प्रेजेंट है वहाँ पे, cos 8π/15 प्रेजेंट है, cos 16π/15 भी प्रेजेंट है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 times of sin 2π/15। अब आपको करना है क्या क्लास, आप एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये नीचे वाला नंबर 4 बन जाएगा और ये आपका sin 4π से 8π में कन्वर्ट होगा, sin 8π cos 8π मल्टीप्लाई होगा वापस से, अब फिर से इसे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 8 बन गया, ये दोनों आपस में मर्ज हो गए और फिर आप उसे वापस से रिपीट करेंगे, तो इवेंचुअली ये जो नीचे का नंबर है वो 16 ही बनने वाला है क्लास। सो यू शुड बी गेटिंग साइन फाइनली जो आपको मिलने वाला है sin 32π/15, आपको वो स्टेप वाइज चेक करना पड़ेगा क्लास, 16 sin 2π/15। अब मुझे ये चेक करना है कि sin 32π/15 और sin 2π/15 में क्या रिलेशन है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, sin 32π को इस तरह लिख सकते हैं हम, लिख दिया मैंने, अब इसे कॉमन डिनोमिनेटर के साथ अलग कर दीजिए, तो पहला पार्ट बन गया 2π, दूसरा पार्ट 2π/15 और sin nπ/θ, या तो प्लस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा, 2π, यहाँ पे 2π है क्लास, तो 2π यहाँ पे खत्म होता है, उसमें कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस इज पॉजिटिव sin 2π/15। तो नेक्स्ट स्टेप में sin 32π/15 को हम sin 2π/15 से रिप्लेस कर देंगे, नीचे 16 प्रेजेंट है, नीचे sin 2π/15 भी प्रेजेंट है जो कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल कर देते हैं क्लास, तो फाइनल आंसर है हमारा 1/16 जो ऑप्शन में प्रेजेंट है, क्यों नहीं, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है क्लास, ऑलमोस्ट सेम था लास्ट क्वेश्चन की तरह, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं पार्शली आपके लिए सॉल्व करूँगा क्लास, कम्प्लीटली आपको करके दिखाना पड़ेगा। एज यू कैन सी जो लास्ट क्वेश्चन का लॉजिक था वही इसी क्वेश्चन का लॉजिक भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं sin 36 मैंने मेंशन कर दिया, एंड दिस इज sin 72 जिसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं क्लास, ये उल्टा हो गया 2 sin 36 × cos 36। एट द सेम टाइम sin 108 को अगर मैंने अलाइट एंगल से यूज़ किया, विच इज sin 180 − 72, तो 180 − 72 टेक्निकली 1080 होता है, और sin π − θ इज sin θ विच इज sin 72। तो ये जो sin 108 है वो sin 72 ही बनेगा, और उसी लॉजिक को यूज़ करके sin 144 को हम लोग sin 36 लिख सकते हैं क्लास। सो नाउ यू कैन सी जो sin 36 है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्लास, तो आई कैन से दिस इज sin²36 × sin 36 extra × 2 times of cos 36 sin 72 को तोड़ के लिखते हैं वापस से 2 sin 36 × cos 36। सो मेरे लिए ये बन जाता है क्लास sin²36, ये sin 36 और ये sin 36 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin²36 वापस से आ जाएगा, और cos 36 आपका cos²36 बन जाता है क्लास, दिस इज मल्टीप्लाइड विद 224 हो जाएगा। सो 4 times of sin²36 × sin²36 × cos²36
36। दिस इज़ माई एक्सप्रेशन क्लास। आपको आगे बढ़ना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपके ऊपर है बिकॉज ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के टेबल में प्रेजेंट है, तो आपको ये वेरीफाई करना है। सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। आगे बढ़ते क्लास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसे एंगल के ऊपर बेस्ड है जो आपको टेबल में नहीं मिलने वाला है क्लास। अगर टेबल में नहीं मिलेगा तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करना क्या चाहिए वो समझिए। तो बहुत सिंपल है, आप इसे जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कीजिए, मोस्ट ऑफली आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो मैं वही करने वाला हूँ क्लास। मेरे लिए बन जाता है √3 / sin 20 - 1 / cos 20। मैंने बेसिकली कोसेक और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम, तो दिस वुड बिकम √3 cos 20 - sin 20 डिवाइडेड बाय कॉमन डिनोमिनेटर sin 20 cos 20। अच्छा, ये स्टेप हमने कर दिया। अब ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्लास। मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये 2 sin 20 × cos 20 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है 2 sin θ × cos θ वाला स्ट्रक्चर ले लेगा, मतलब sin 40 बन जाएगा। डिनोमिनेटर तो हो गया, न्यूमरेटर के लिए कुछ करते हैं क्लास। तो न्यूमरेटर के लिए अब मैं 2 को 4 कर देता हूँ और मैं इन्हें इस तरह से लिखता हूँ √3/2 cos 20 - ½ sin 20। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया क्लास, बिकॉज ये दोनों नंबर जो है स्टैंडर्ड नंबर्स हैं और नीचे तो साइन 40 हमारा डिस्कशन हो गया था। अब इससे एडवांटेज क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये कॉस 60 का भी वैल्यू, ये साइन 30 का भी वैल्यू, सॉरी कॉस 30 और साइन 60 दोनों का वैल्यू है। अब आपके पास चॉइस है क्लास, आप जो भी चाहे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉस यूज़ करें तो यहाँ पे साइन यूज़ कीजिए, अगर यहाँ पे साइन यूज़ करें तो यहाँ पे कॉस यूज़ कर। मैं यहाँ पे साइन यूज़ करता हूँ, सो दिस इज sin 60 × cos 20 - cos 60 × sin 20 / sin 40। यू कैन सी क्लास, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमें फॉर्मूला मिला है वो है sin A cos B - cos A sin B, जो एक्चुअल में होता है sin A - B, 60 - 20 / sin 40। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये sin 40 / sin 40 ही बनेगा जो कैंसिल होता है। चलिए कर देता हूँ कैंसिल करने, बहुत अच्छा लगता है क्लास। फाइनल वैल्यू नंबर 4 ही बचा जो ऑप्शन में है, तो मैं इसे टिक भी कर देता हूँ। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया क्लास। सो याद रखिए, जो नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमें टेबल में नहीं मिलते उन्हें सिंप्लीफाई करके ही आंसर मिलने वाला है। एंड दिस इज द लॉजिक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। एज यू कैन सी, ये जो सम है ये बन जाता है 1 upon cos 50 + tan 50। एज यू कैन सी ऑल दी ऑप्शन हैव tan 50 बींग एडेड, या तो एक बार या तो दो बार, कम से कम एक बार तो प्रेजेंट है। तो ये जो एक बार ऐड हुआ है उसे मैं वैसे ही रख देता हूँ, उसे डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अब बारी आती इसकी, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए क्लास, बट इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास और कुछ स्कोप ही नहीं बच रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे हर जगह पे tan 20 प्रेजेंट है, तो हम किसी तरह से एंगल 20 वहाँ पे क्रिएट करते हैं, फोर्सिबली कर रहे हैं क्लास। तो मैं cos 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने थोड़ा सा लॉजिक वहाँ पे यूज़ किया, हमने एक एंगल क्रिएट किया जो वहाँ पे ज़रूरी था, इसको थोड़ा नहीं टच कर रहे क्लास। अब ये स्टेप करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड, वापस से कैंसिल कर दूंगा तो कुछ बेनिफिट नहीं है। इट्स बेटर कि मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज़ कर लूँ, sin 70। रीज़न आपको रीज़न समझाता हूँ यहाँ पे क्लास। जैसे हमने यहाँ पे sin 70 यूज़ कर लिया है, साइन 70 का जो एंगल है उसको ब्रेक करके दिखा सकते हैं इस तरह, sin 50 + 20, sin A + B दिखेगा आपको, फिर दिख रहा है, परफेक्ट। अब जैसे ये पार्ट आपके सामने आता है क्लास, आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, तो आपको फर्स्ट स्टेप में मिलेगा sin 50 cos 20 + cos 50 sin 20 / common denominator cos 20 cos 50। सेम ईयर cos 20 cos 50। दिस वॉज द पर्पज क्लास, हमें किसी तरह से उसे एलेबरेट करना था बिकॉज हमें आंसर tan के टर्म्स में चाहिए, और tan तभी आता है जब sin/cos क्रिएट करेंगे। इसलिए ऊपर पहले एंगल 20 यूज़ किया, उसे sin में कन्वर्ट किया और फिर sin/cos बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे cos कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे cos 50 cos 50 कैंसिल करता हूँ, एंड एज आई कैन सी ये मेरा tan 50 बन जाता है
ये मेरा tan 20 है, और फाइनली जिसे हमने डिस्टर्ब नहीं किया था वाला tan 50। यू कैन सी tan 50 दो बार प्रेजेंट है क्लास, सो यू कैन गेट द फाइनल वैल्यू एज tan 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50, जो ऑप्शन में प्रेजेंट है, चेक करना पड़ेगा। या ऑप्शन सी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्लास। सो क्लास, ये जो नेक्स्ट सम है इसमें हमें बताया गया कि इफ एक्स इजिकल टू टेन 5 डिग्री देन कोसेक 80 प्लस कॉट 80। एज यू कैन सी ये जो 80 और 80 है ये आपके नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स है, ये हमें टेबल में नहीं मिलने वाले। क्या करना चाहिए इनके लिए? कुछ खास नहीं क्लास, सिंपल सा लॉजिक है। आपको इसे इस टर्म्स में लाने के लिए इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बट ये भी ध्यान में रखिए, आपके पास एक्स का जो कनेक्शन है वो टेन 5 है, और 80 और 5 में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, बहुत बड़े नंबर्स यूज़ करने पड़ेंगे क्लास। व्हाट आई विल डू इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, मैं इनकी कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो कोसेक 80 कैन बी कंसिडर्ड टू बी सेक 10 एंड कॉट कैन बी कंसिडर्ड टू बी टेन ऑफ 10 डिग्री। इससे एडवांटेज ये होता है कि ये दोनों 5 डिग्री के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाता है क्लास, दिस इज 1/cos 10 एंड टेन 10 तो वैसे ही रखता हूँ फिलहाल, अभी आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos 10 इज टेकन टू बी cos 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, जहाँ पे थीटा इज सपोज टू बी 10^5। सिंपल सा हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लिया क्लास। सेम यहाँ पे टेन थीटा के लिए यूज़ करेंगे, बेसिकली टेन 2 थीटा विच इज 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा 2 tan 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 5 डिग्री। नाउ यू कैन सी ये यहाँ पे ट्रांसफर करने पे यू विल गेट अ कॉमन डिनोमिनेटर। एट द सेम टाइम मैं टेन 5 जहाँ पे भी प्रेजेंट है उसे x से रिप्लेस कर देता हूँ क्लास, तो आई शुड बी गेटिंग 1 x² + 2x / 1 x². एज यू कैन सी ऊपर जो है वो एक बाइनोमियल एक एक्सपांशन है ऑफ 1 x² एंड डिनोमिनेटर में यू गॉट 1 x, 1 x। एडवांटेज कैंसिलेशंस दिख रहे हैं हमें, कैंसिलेशंस कर देते हैं एंड जो फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू है मेरे पास है वो 1 x / 1 x आता है। ऑप्शन में प्रेजेंट है, येस ऑप्शन डी। सो वी हैव गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, विच वुड बी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसका लॉजिक थोड़ा हटके है क्लास। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, हमने स्कूल लेवल पे सीखा रहेगा एक क्यूबिकल इक्वेशन जो कुछ इस तरह से दिखती है, ax³ + bx² + cx + d = 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं और वो 3 रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रूट्स के बीच में आपस में कनेक्शन बनता है। पहला कनेक्शन है सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज़ सपोज टू बी अगर हम कोएफिशिएंट फॉर्म में वहाँ पे देखें तो दैट बिकम्स -b/a। एट द सेम टाइम आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है -d/a। एंड फाइनली यू विल गेट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टुगेदर, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा विच इज़ सपोज टू बी c/a। सो क्लास ये फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं और ये फॉर्मूले को यूज़ करके ही ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो फिर मेरा अजम्पशन है π/9 या तो 5π/9 या तो 7π/9 इज़ इक्वल टू एक्स, ये अजम्पशन होना चाहिए। अब जो भी आपको आसान लगता है आप कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे π/9 सबसे कन्वीनियंट लग रहा है क्लास। तो आई कैन से x इज इक्वल टू π/9, इसका मतलब 3x वुड बी इक्वल टू π/3 और दोनों साइड पे cos यूज़ करने पे आई शुड बी गेटिंग cos 3x इज इक्वल टू cos π/3। cos π/3 का वैल्यू हमें पता है क्लास, विच इज़ इक्वल टू हाफ, और cos 3x का हमें फॉर्मूला भी पता है क्लास। बट उस वैल्यू फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, तो आई बी गेटिंग cos² of 3x इज इक्वल टू cos² of π/3। नेक्स्ट स्टेप में क्लास दिस शुड बिकम 4 cos³x - 3 cos x / 2।
ये cos 3x का मैंने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, और ये तो हाफ है, हाफ का हमें स्क्वायर करने पे 1/4 मिलेगा क्लास। अब a माइनस बी द होल स्क्वायर का आपको एक्सपांशन यूज़ करना है, तो दिस वुड बिकम 16 cos रेज टू 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए क्लास। तो 4 3 24 24 आएगा करेक्ट, 24 cos raised to 4x is equal to 1/4। आप ये 1/4 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्लास। ट्रांसफ़र करने के बाद सारे नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड पावर के हिसाब से अगर लिखूँगा तो 64 टाइम्स ऑफ cos raised to 6x, फिर माइनस 96 टाइम्स ऑफ cos raised to 4x, देन आई हैव गॉट 36 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्यूबिकल इक्वेशन है इन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब वहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 ही होता है क्लास। तो आप देख सकते हैं इसे ध्यान से, ये अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को ए अज्यूम करके चलूँ तो ये बनेगा 64 a³ माइनस 96, अब पी ले लेते हैं कोई नया वेरिएबल, 96 पी स्क्वायर प्लस 36 पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, विच इज़ लाइक दिस क्यूबिकल इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी क्लास, ऑलमोस्ट लाइक दिस। अब जैसे ये क्यूबिकल इक्वेशन मिल गई तो हमें ए बी सी और डी यहाँ पे दिखेगा। एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके रूट्स, इट्स रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा। हमारे केस में अल्फ़ा बीटा गामा मतलब उसके सोल्यूशन होना चाहिए जो एक्चुअल में वैल्यूज़ ऑफ पी होना चाहिए, और पी हमने कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9 की जगह अज्यूम किया था। कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 की जगह आप कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 9 या कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 9 भी अज्यूम करते तो फाइनल इक्वेशन यही बनने वाली थी क्लास। सो देयरफॉर इट्स रूट्स आर कॉस स्क्वायर पाई बाय 9, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 9 या तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 9। सो क्लास ये तीनों रूट्स मिलने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज सपोज टू बी ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। आई होप आपने ये आइडेंटिटी स्कूल लेवल पे देखी रहेगी क्लास। सो यही आइडेंटिटी एग्जैक्टली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे मेरा ए कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 है, बी कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 9 है और सी कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 9 है। उनका स्क्वायर करूँगा तो मुझे कॉस रेज टू 4 पाई बाय 9, इसका स्क्वायर करने पे कॉस रेज टू 4 5 पाई बाय 9 और तीसरे वाले का स्क्वायर करने पे कॉस रेज टू 4 7 पाई बाय 9 मिलेगा क्लास। दिस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों का एडिशन। अच्छा इन तीनों का एडिशन मतलब मैं इसे इस तरह से दिखाता हूँ अब आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसे भी वैसे दिखाऊंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया क्लास। अब जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे टर्म्स लिख दिए थे इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, तो चलो कोएफिशिएंट से रिप्लेस करते हैं। दिस वुड बिकम माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड दिस वुड बिकम सी अपॉन ए का पार्ट। चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे बी की जगह पे क्या प्रेजेंट था। तो ए सपोज टू बी 64, ये ए है, ये बी, अब यू कैन सी दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो यू कैन सी दीज आर द टर्म्स विच आर बीन प्रेजेंट ओवर देयर क्लास। तो अगर मैं इन टर्म्स को ध्यान से देखूँ तो अब मैं फटाफट यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकता हूँ। तो माइनस बी अपॉन ए इज सपोज टू बी कम माइनस 96 अपॉन 64 एंड वो ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये प्लस 96 हो जाएगा। माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी की जगह पे वी कैन सी वी हैव गॉट 36 एंड ए की जगह पे 64 वापस से। कैंसिलेशंस कर देते हैं क्लास पहले। तो यहाँ पे ये दोनों 16 के टेबल में जाते हैं, 16 8 16 4 और कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाता है क्लास। सो क्लास आई मेड अ मिस्टेक, 16 6 होना चाहिए था, 16 6 कैंसिल करने पे आपको जो फाइनल फ्रैक्शन है वो 6/4 मिलता है, 6/4 रिड्यूस करने पे 3/2 बचता है, या 3/2 बचना चाहिए। तो दिस वुड बिकम 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम कैंसिलेशंस करके देख सकते हैं क्लास, ये कैंसिल होता है विद द टेबल ऑफ 4 4 9 4 16
और कैंसिल करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाता है 9/8, तो आई हैव गॉट 9/8 ओवर हियर। सो बेसिकली दिस बिकम्स 9/4 माइनस 9/8। आप इसका एलसीएम लेके इसे बैलेंस कर सकते हैं क्लास। सो इसे बैलेंस करने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, दिस वुड बिकम 18/8 माइनस 9/8 विच रिड्यूसेस टू 9/8 एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम देखते हैं ऑप्शन में 9/8 प्रेजेंट है, तो दिस इज माई आंसर। सो क्लास दिस वॉज अ क्लासिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूबिकल इक्वेशन और उसके रूट्स और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन। हम आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर विच इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। यस नॉट दिस वन, दिस वन। सो दैट इज आवर क्वेश्चन क्लास, एक बार पढ़ लेते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द सेम प्रीवियस क्वेश्चन, खाली फर्क ये है वो कॉस के टर्म्स में था, ये साइन सेक के टर्म्स में आ रहा है। उधर पावर हमने 4 देखी थी, यहाँ पे पावर खाली 2 प्रेजेंट है। आपको चुपचाप जो अजम्पशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही करना पड़ेगा क्लास। हम कंसिडर करने वाले पाई बाय 9 या तो 5π/9 या तो 7π/9 इक्वल्स टू एक्स, जो भी आपको वहाँ पे कन्वीनियंट लगता है। अब जैसे ही आपने ये कर लिया अजम्पशन क्लास, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 9 विल टर्न अप इनटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 3, एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए हमें था, और कॉस 3x वुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 3। यहाँ पे स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्लास आपको, आप क्विकली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 4cos³x माइनस 3cos x इज इक्वल टू हाफ। सारे टर्म्स को मैं अब cos³x से डिवाइड करूँगा बिकॉज माय मेन इंटेंशन इज टू गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेक क्लास, तो मैं सबको cos³x से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये बन जाता है 4 माइनस 3 cos²x नीचे होगा तो इस x²x बन गया, और यहाँ पे cos³x नीचे रहेगा तो ये बन जाता है हाफ sec³x। मैंने सबको cos³x से डिवाइड किया है क्लास। एज अ रिजल्ट ये जो नंबर 2 है इसे मैं सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे अरेंज करके लिखता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग sec³x, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस 6 sec²x और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये बन जाता है हमारा फाइनल क्यूबिकल इक्वेशन, अगर जिसे मैंने sec x p इज इक्वल टू sec x अज्यूम करके लिखा, तो ये बन जाता है p³ प्लस 6p² माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू पॉजिटिव 6 है, सी यहाँ पे एबसेंट है क्लास, एंड डी का वैल्यू माइनस 8 है। ये हमने समझ लिया क्यूबिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में। एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड इस क्यूबिकल इक्वेशन के रूट्स क्या होने वाले हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दिखाया था इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, जो एक्चुअल में होने चाहिए सेक ऑफ एक्स यानी सेक ऑफ पाई बाय 9, या फिर एक्स की जगह पे 5π/9 भी यूज़ कर सकते थे या फिर 7π/9 भी यूज़ कर सकते थे। सो क्लास ये तीन उसके रूट्स हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स यूज़ करने वाले। अब यहाँ पे स्क्वायर्स कर सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाय 9 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ 5π/9 प्लस सेक स्क्वायर ऑफ 7π/9 विच इज़ इक्वल टू जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, ये बन जाता है सेक पाई बाय 9 प्लस इसे हमने अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट, तो अल्फा बीटा से ही करेंगे क्लास, इट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो दिस वुड बिकम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जैसे ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टेक्निकली स्पीकिंग होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस दिस इज सी अपॉन ए। सब्स्टिट्यूट कर देते कोएफिशिएंट्स, बी की जगह पे यू हैव गॉट 6, तो माइनस 6 अपॉन 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 सी की जगह पे यू हैव गॉट 0 0 अपॉन 1, सो दिस बिकम्स 36। ऑप्शन में 36 दिया हुआ है क्लास, यस ऑप्शन ए, एंड दैट इज इट, वी आर डन। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे फिगर के और कॉन्सेप्ट्स क्लास। अंटिल दैट टाइम टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।